और किसान आंदोलन पर अभिनेता नाना पाटेकर का भी बयान आया है। नाना पाटेकर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों की उचित मांग मान लेने की गुजारिश की है। नाना पाटेकर की तरफ से कहा गया है कि किसानों की उचित मांगों को मान लिया जाए, आंदोलन जितना दबाएंगे उतना भड़केगा। जितेंद्र दीक्षित एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कहा नाना पाटेकर ने? देखिए, नाना पाटेकर ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। किसानों के समर्थन में नाना पाटेकर खुद उतरे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि किसानों की जो रीजनेबल मांगे हैं, जो उचित मांगे हैं, उन मांगों को मान लिया जाए और जितना इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ही आंदोलन और ज्यादा भड़केगा और ज्यादा उग्र हो जाएगा। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि जो किसान जो अलग अलग संगठनों के तले जो ये आंदोलन कर रहे हैं, वो ऐसा ना करके किसी एक बड़े संगठन के तहत आए और अपने आंदोलन को इस तरह से आगे बढ़ाएं। तो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही है, उसमें ये प्रमुख बातें अभिनेता नाना पाटेकर ने कही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अभिनेता नाना पाटेकर की तरफ से कहा गया कि इस आंदोलन को जितना दबाएंगे वो उतना ज्यादा भड़केगा, उचित मांगों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, मांगों को मान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नाना पाटेकर की अपील। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।